आदरणीय नमस्कार। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं जिला कुल्लू की बजौरा से संबंध रखने वाली हूँ। इससे पहले मैंने डीएलएड की है और स्टार ऑफ देवभूमि ताजे हिमाचल का टाइटल होल्ड करती हूँ और इसके साथ ही कविता के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला है और थैंक यू। और इसके साथ ही अभी मैंने एक कविता लिखी थी पीरियड्स पर, जिसके लिए मैं इंटरनेशनल आइकन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। तो शुरुआत करूंगी बेटियों पर, बात चली है, टाइटल भी है बेटियां स्माइल अपॉन। तो मेरी जो कविता का शीर्षक है वो है पापा का मान हम बेटियां। माँ पर सभी लिखते हैं, माँ की बेटियां सब होती है, लेकिन पापा के लिए शायद बहुत कम लोग लिखते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है पापा का मान हम बेटियां। पापा का सम्मान, पापा का गौरव, पापा का मान हम बेटियां। झेल ले जो हर मुसीबत हंस कर, शेरनी थी उनकी संतान हम बेटियां। सूरज साते इस चांद की शीतलता हमें, सूरज साते इस चांद की शीतलता हमें, फूल सी कोमलता चट्टान से इरादे हमें। लाचार नहीं मजबूर नहीं धड़कती चिंगारी है बेटियां, लाचार नहीं मजबूर नहीं धड़कती चिंगारी है बेटियां। बेमतलब छेड़ना मत जल जाओगे, बेमतलब छेड़ना मत जल जाओगे। दुर्गा काली है हम बेटियां, जीवन की कठिनाइयों में मुसीबत के हर बूंद को मुस्कुरा कर पीते जाओ। जीवन की कठिनाइयों में मुसीबत के हर बूंद को मुस्कुरा कर पीते जाना। जमाने की जंजीरों में जकड़े हुए थी, हमने सीखा है सिर्फ आगे बढ़ते जाना। अपने दर्द में भी हम बेटियां उतने आंसू नहीं बहाती, अपने दर्द में भी हम बेटियां उतने आंसू नहीं बहाती। कहीं पापा ना टूट जाए इसलिए हम दर्द में भी मुस्कुराती। अब हम बड़ी हो गई है, अब हम बड़ी हो गई है, पापा को ये चिंता सताती होगी, पापा भी ये सोचते होंगे क्या हम अपने दिल की हर बात उन्हें बताती होगी। सुना है तब से बेटियां अपनी नहीं पराई है, सुना है तब से बेटियां अपनी नहीं पराई है। मैं तो बस इतना जानू हम सब अपने पापा की परछाई है, हम सब अपने पापा की परछाई है। तो इसके बाद अभी मैं वो कविता सुनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैं इंटरनेशनल आइकन अवार्ड हर महीने कहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है दर्द हर महीने का। इसके लिए मुझे मैडम ने बोला था कि मैं ये कविता सुनाऊँ देखा, तो मैं इसलिए सुनाती हूँ। इस कविता का शीर्षक है दर्द हर महीने का। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ये ऐसे टॉपिक है जिसके बोलने के लिए शायद बहुत शर्म महसूस की जाती है या कुछ चीजें हैं। मैं शर्म से किससे तुम्हें सुनाती हूँ, जिन बातों से सब डरते हैं उन बातों को समझाती हूँ। मैं लड़की हूँ ये हर लड़की के मन की बात है, मैं लड़की हूँ ये हर लड़की के मन की बात है। क्या हिम्मत से सुन लोगे जो आज मेरे हालात है। तुम मुझसे अभी मेरा हाल मत पूछना, देता है दर्द कितना ये रंग लाल। तुम मुझसे अभी ये सवाल मत पूछना, ये लाल रंग ही है जो हर महीने आता है, ये लाल रंग ही है जो हर महीने आता है। वैसा ही है जैसा सबकी रंगों में रहता है। मासिक धर्म का भी अपना विधान है, मासिक धर्म का भी अपना विधान है, धर्म में विशेष स्थान प्राप्त करता है। इन दिनों दर्द इतना कि हम लड़कियां कदम भी नहीं उठा पाते, इन दिनों दर्द इतना कि हम लड़कियां कदम भी नहीं उठा पाती। बाकी तुम क्या जानो इन दिनों हम कितना कराते। मानो सैकड़ों हथौड़ों से कर लिया हो शरीर पर प्रहार, मानो सैकड़ों हथौड़ों से कर लिया हो शरीर पर प्रहार। हाँ हाँ इन दिनों चिड़चिड़ा सा हो जाता है हमारा व्यवहार। हजार मांसपेशियों की अकड़ का दर्द हम हर महीने कहते हैं, हजार मांसपेशियों की अकड़ का दर्द हम हर महीने कहते हैं। उल्टा सीधा कहने वाले तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा दर्द हम हर महीने कहते हैं। बदले में मिलती हमें शर्मिंदगी क्यों, बदले में मिलती हमें शर्मिंदगी क्यों, ये लांछन वाली जिंदगी क्यों। वो जो तुम तलवार पर लगे लाल धब्बों का मजाक बनाते हो, वो जो तुम तलवार पर लगे लाल धब्बों का मजाक बनाते हो। चलो आज मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें पता है तुम भी वहीं से आते हो। जीवन मिलता, जीवन मिलता जिस प्रक्रिया से उसे ही मेरी शर्म बना डाला, जीवन मिलता जिस प्रक्रिया से उसे ही मेरी शर्म बना डाला। लोगों ने दर्द सहना जैसे हम लड़कियों का धर्म बना डाला। अगर ये ना हुआ, अगर ये ना हुआ तो मानव जाति का सृजन कैसे होगा, अगर ये ना हुआ तो मानव
वंश को आगे बढ़ाने की चाह रखते हो उसका निर्माण कैसे होगा? कामाख्या देवी का खून तुम झोली में भरकर घर ले आते हो, कामाख्या देवी का खून तुम झोली में भरकर घर ले आते हो, नारी को अछूत कह 7 दिन कोने में कैद कर जाते हो। ये तो प्रकृति से मिला अनमोल वरदान है, ये तो प्रकृति से मिला अनमोल वरदान है, इसके बिना हर नारी का मातृत्व वीरान है। मैं कहां स्वप्न देख रही हूँ इस धरा के स्वर्ग हो जाने का, मैं कहां स्वप्न देख रही हूँ इस धरा के स्वर्ग हो जाने का, बस तुम लड़कियों को हर महीने होने वाला ये दर्द समझना, ताकि किसी और वैशाली को ना लिखना पड़े ये दर्द लाल रंग बहराने का, ये दर्द लाल रंग बहराने का।